स्वागत है आपका जी फैंटेसी में। आज अपन बात करें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड कप के मैच के बारे में। तो इस मैच के लिए कौन होगा हमारे मेगा ग्रैंड लीग के लिए ट्रंप प्लेयर, जिससे कि 5 लाख रुपए विन कर सकते हैं। साथ में देखेंगे पिच रिपोर्ट और इस वेन्यू पे मैचों के बारे में जानेंगे, किस प्रकार का स्कोरिंग पैटर्न रहता है। साथ में जानेंगे ट्रंप प्लेयर। लास्ट मैच में मैंने आपको बताया था पैट क्यूमिंस और उनकी तरफ से बताया था इमाम उलक, शॉर्ट शकील और जोश इंग्लिश। जोश इंग्लिश नहीं चले थे, इसके अलावा 3 प्लेयर आपको मैंने 30% सिलेक्शन से नीचे वाले 5 प्लेयर बताए थे, रोटेट करना बताया था और बोला था 3 प्लेयर आसानी से इनमें पिक हो गया, आप एक तरफा मैच विन कर पाओगे। तो इस मैच के लिए मैं बताने वाला हूं किस प्रकार से आपको ट्रंप प्लेयर का चुनाव करना है, कौन से ट्रंप प्लेयर रहेंगे जो आपको मेगा जीएल में सबसे आगे ला सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप चलते हैं पिच की तरफ। मैच खेला जाएगा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला, बहुत ही अच्छा वेन्यू है। 7 मैच अभी तक यहाँ पे खेले गए, 3 मैच जीते बैट फर्स्ट ने और 4 जीते बैट सेकंड। एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का 202 और हाईएस्ट यहाँ पे इंग्लैंड ने बनाया 364 नौ विकेट के नुकसान पे इसी विश्व कप में, और लोएस्ट यहाँ पे इंडिया का है 112 रन 10 विकेट के नुकसान पे, श्रीलंका के अगेंस्ट ये लोएस्ट था। अब देख लेते हैं इस वेन्यू पे जो रिसेंट में मैच हुए वर्ल्ड कप के कैसा क्या स्कोरिंग पैटर्न है। नीदरलैंड 245 रन बनाते हैं 8 विकेट के नुकसान पे, और साउथ अफ्रीका 207 पे ऑल आउट हो जाती है, 14 विकेट मिलते हैं पेसर को, 4 विकेट मिलते हैं स्पिनर को। एक तरफा उलटफेर हुआ था ये मैच। इंग्लैंड 364 बनाती है 9 विकेट के नुकसान पे, बांग्लादेश चेंज नहीं कर पाती है, 12 विकेट मिलते हैं पेसर को, 7 विकेट मिलते हैं स्पिनर को। इससे पहले अफगानिस्तान 156 पे ऑल आउट हो जाता है और बांग्लादेश उसे इजीली चेंज कर जाता है, 7 विकेट मिलते हैं पेसर को, 6 विकेट मिलते हैं स्पिनर को। ये दो मैच काफी पुराने, ठीक है। अब इन मैचों में देखो वर्ल्ड कप में जो अभी तक 3 मैच हुए क्या रहा है। अगर जब भी बढ़िया टीम पहले खेल रही है ना, जैसे इंग्लैंड पहले खेली काफी अच्छा स्कोर बनाई, ठीक है, नीदरलैंड ने भी ठीक ठाक स्कोर किया, ये तो मैच में साउथ अफ्रीका के साथ हमेशा ही होता है उलटफेर के शिकार हो गए, ठीक है। अफगानिस्तान भी अच्छा खेल रही थी, उसके बाद अचानक विकेट गिर जाती है, यानी बैटिंग सरफेस है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे रन नहीं बनते, लेकिन बॉलर्स के लिए भी थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता है और पेसर को ज्यादा एडवांटेज रहेगा एज कम्पेयर टू स्पिनर। बाकी स्पिनर पेसर दोनों ने विकेट निकाले थे इस वेन्यू पे, तो एक न्यूट्रल मैच ये रहने वाला है। अब अपन देख लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 116 ओडीआई खेले जा चुके हैं, जिसमें 58 इंडियन जीते, 50 न्यूजीलैंड। यहाँ इंडिया भारी है, लेकिन वर्ल्ड कप के 9 मैचों में 3 ही मैच इंडिया जीत पाया है और 5 बार न्यूजीलैंड ने भारत को हराया। पिछले 20 साल से इंडिया वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को ओडीआई में नहीं हरा पाया, लेकिन उम्मीद करते हैं इस मैच में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और न्यूजीलैंड को इस बार सारा हिसाब चुकता करेगा। अब देख लेते हैं इंडिया की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। हार्दिक पांड्या रूल्ड आउट हो चुके हैं, तो उनकी जगह स्काई आपको खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे गिल, उसके बाद विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। इसके अलावा बेंच पे से टीम मोहम्मद शमी को ट्राई कर सकती है अगर एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाएगी। अब देख लेते हैं इन प्लेयर का रिसेंट फॉर्म और वेन्यू पे रिकॉर्ड। रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में, 54 नॉट आउट, 56, 53, 0, 81, 0, 131, 86 और 48, शानदार फॉर्म में चल रहा है रोहित शर्मा। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी ये शानदार खेलता है, आगे मैं बताऊंगा हेड टू हेड रिकॉर्ड आपको, ठीक है। वेन्यू पे 2 मैच खेले हैं, काफी मैच पुराने, ठीक है, 2 और 14। गिल 67 नॉट आउट, 58, 19, 121, 27 नॉट आउट, 74, 104, 16, 53। गिल शानदार फॉर्म में और फ्लैट पिच पे शानदार गजब खेलता है गिल, बहुत ही शानदार। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डबल हंड्रेड किया था लास्ट सीरीज में, और मैन ऑफ द सीरीज था लास्ट, जो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज हुई थी वो बताऊंगा आगे, बहुत ही शानदार इसका रिकॉर्ड है। कोहली 122 नॉट आउट, 3, 56, 85, 55 नॉट आउट, 16, 103, शानदार फॉर्म में आ चुका है वर्ल्ड कप में, ठीक है। वेन्यू पे देखोगे 85 नॉट आउट, 127 रैंक मैच में डक पे आउट हुआ था, ये काफी पुराना मैच है, 2014-15 के आसपास का ये मैच है। इसके अलावा ये 2 मैच थोड़े रिसेंट के, शानदार खेलता है विराट कोहली, ठीक है, इस वेन्यू पे भी और रिसेंट फॉर्म भी शानदार है। केएल राहुल 39, 19, 58 नॉट आउट, 52, 56, 97 नॉट आउट, बैटिंग नहीं है, 19 नॉट आउट और 34, वेन्यू पे ये खेला नहीं है ओडीआई में। अय्यर को देखो आप 38, 14, 3, 105, 48, 0, 25 नॉट आउट, 53 नॉट आउट, लास्ट मैच में 19 पे आउट हो गया था, लेकिन अच्छा खेल रहा है। वेन्यू पे 1 मैच खेला है जिसमें 9 रन है। स्काई 83, 61, 50, 72 और 8, वेन्यू पे अभी खेला नहीं है, देखते हैं टीम स्काई को मौका देगी या समी को। आप कमेंट करके जरूर बताएं किस प्लेयर को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, सूर्य कुमार यादव या फिर इंडिया को एक पेसर के साथ जाना चाहिए। जडेजा को देखो आप 3 रन नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 13 रन नॉट आउट, 3 विकेट, 35 प्लस 0, 3 विकेट 0, 2 विकेट 2 विकेट, और वेन्यू पे भी जडेजा खेल चुका है 2 विकेट 39 रन प्लस 1 विकेट, शानदार ऑलराउंडर, बैट बॉल फील्डिंग हर जगह से इसके पॉइंट आएंगे। शार्दुल ठाकुर 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 0,
एक विकेट जीरो, एक विकेट। बॉलिंग इतनी खास नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उसको विकेट मिलता है। आजकल कुछ मैचों से विकेट नहीं मिल रहे हैं इसको। कुलदीप 0-5-4-0, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। कुलदीप हर मैच में विकेट निकाल रहा है, वेन्यू पे एक मैच खेला है विकेट नहीं मिला था। बुमराह शानदार फॉर्म में, 2-1-1-3 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। जब से चोट से आए हर मैच में विकेट निकाले, किसी भी मैच में विकेट लेस ये नहीं रहा है। वेन्यू पे 1 विकेट है, 0 विकेट है, 2 मैचों का वेन्यू का इसका रिकॉर्ड है। सिराज 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 6 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0, 2 विकेट, 2 विकेट। शानदार फॉर्म में सिराज भी। इसके अलावा टीम अगर शमी को लाती है तो शमी इंपोर्टेंट रहने वाले, 2 विकेट, 0, 1 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट। वेन्यू पे भी 2 मैच खेल चुका है शमी, 2 विकेट और 1 विकेट है। अब देख लेते हैं न्यूजीलैंड की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। केन विलियमसन उपलब्ध नहीं है। कॉनवे के साथ ओपनिंग करेंगे विलियम, उसके बाद रचिन रविंद्रा, ट्रेंट मिचेल, टॉम लिथम, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, लॉकी फर्गसन, मिशेल सैंडर, ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी खेलते हुए आपको नजर आएंगे। ये टीम शायद चेंज नहीं करेगी, उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेगी। ठीक है, कॉनवे 111 नॉट आउट, 14-9-7-0, उसके बाद 78-152-42-45। अच्छी फॉर्म में, अच्छा प्लेयर, लंबी पारी खेलने के लिए जाना जाता है। विलियम 33-12-24-58-0-70-12-0 और वर्ल्ड कप में 250 कर चुका है 70 और 54, एक मैच में इसको मौका नहीं मिला, तो शानदार प्लेयर है। रचिन रविंद्रा 61+4-10+0, 1 विकेट, 97 रन+0 विकेट, 0 विकेट, 123 नॉट आउट, 1 विकेट, 51+1 विकेट, 9+0, 32+1 विकेट। पूरी शानदार फॉर्म में, बैट बॉल दोनों से परफॉर्म दे रहा है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है। मिचेल 14-118 नॉट आउट, 57-17-4-59 नॉट आउट, 25 यहाँ बैटिंग नहीं है, 48-89 नॉट आउट और 1। ये भी शानदार प्लेयर है, इस मैच में फ्लॉप हुआ, इसके अलावा अच्छा खेल रहा है, पिछले 4 मैचों में 3 में लगभग 50 कर चुका है। टॉम लिथम टीम के कैप्टन, 99-19-3-13-18-52 बैटिंग नहीं आई, 53 बैटिंग नहीं आई 68, 350 मार चुका है और बैटिंग नहीं आई, और सिलेक्शन इसका डाउन दिखेगा, लेकिन ये बहुत ही शानदार प्लेयर, इस वेन्यू पे भी एक मैच खेल चुका है जिसमें 79 इसके नॉट आउट है, तो काफी शानदार ये प्लेयर है, विकेट कीपिंग से भी इंपोर्टेंट रहने वाला है। ग्लेन फिलिप्स 42-0 विकेट, 2 रन 0, 72+1 विकेट, 25+0, 3+0, 43+0, 2 विकेट, 4 रन+0, 16 रन नॉट आउट, 1 विकेट और 71 रन। लास्ट में भी शानदार पार्टनरशिप हुई थी, लिथम और ग्लेन फिलिप्स ने जिताया था इनको। चैपमैन 51-11-15-8 नॉट आउट, 40-65 नॉट आउट, 20 बैटिंग नहीं आई, बैटिंग 5 बैटिंग नहीं आई, लास्ट में 25 शानदार रन बनाए थे इसने, ये फिनिशर है। लॉकी फर्गसन को देखो आप, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, 3 विकेट 3 विकेट, वर्ल्ड कप में आते अच्छी फॉर्म दिखाई इसने, 2 मैचों में 3-3 विकेट निकाले, तो इंपोर्टेंट रहने वाला है। राइट आर्म फास्ट है, मीडियम नहीं है। ठीक है, सेंटनर 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, 36 रन 5 विकेट 1 विकेट 3 विकेट। कोई भी मैच आपको विकेट कॉलम खाली नहीं दिख रहा, हर मैच में विकेट निकालता है, बैटिंग आती है तो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, और काफी ज्यादा अनुभव है इसको इंडिया में खेलने का। ट्रेंट बोल्ट 3 विकेट 5 विकेट 0 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 2 विकेट 2 विकेट। बोल्ट शानदार लेफ्ट आर्मर गेंदबाज, मैट हेनरी कंसिस्टेंट एकदम से, 1 विकेट 1 विकेट 0 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0, उसके बाद 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, वर्ल्ड कप में आता है शानदार विकेट निकाल रहा है मैट हेनरी। अब अपन देख लेते हैं, इनमें से कोई खेलेगा नहीं, खेले तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अपन देखते हैं जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती तो कौन सा प्लेयर परफॉर्म करता है, ये अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो आप, ये 3 मैचों की सीरीज हुई थी, पूरी तरह क्लीन स्वीप किया था इंडिया ने, 3 मैच जीते थे। ठीक है, और मैन ऑफ द सीरीज कौन था, शुभम गिल। यहाँ देखो, गिल 208, रोहित शर्मा 34, स्काई 31, हार्दिक पांडे 28+1 विकेट, हार्दिक पांडे है नहीं, सिराज 4 विकेट, शार्दुल 2 विकेट, कुलदीप 2 विकेट निकाल रहा है। न्यूजीलैंड की तरफ से सैंडनर 57 रन 1 विकेट, लिथम 24, मिचेल 9 रन+2 विकेट, लोकी फर्गसन 1। अब रिपीट में देखना आप, शर्मा गिल फिर से रन बना रहे, शमी, हार्दिक, शार्दुल, सिराज, कुलदीप, यानी पूरी बॉलिंग चल रही है इंडिया की इनके अगेंस्ट, सेम रिपीट हुए थे। अगले में देख लो, गिल फिर 100 मार रहा है, यानी कि गिल तो का तो जवाब ही नहीं इनके अगेंस्ट, इसलिए बोल रहा हूँ गिल इस मैच में कैप्टन आने के बहुत ज्यादा चांस है। रोहित शर्मा ने भी 100 किया था, रोहित शर्मा बहुत ही शानदार खेल रहा है इनके अगेंस्ट, हार्दिक पांड्या 54+1, विराट कोहली 36, विराट कोहली सीरीज में 2 मैच में नहीं चला था, 1 मैच चला था, शार्दुल ठाकुर 3 विकेट, कुलदीप यादव 3 विकेट, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, शुभम गिल, रोहित शर्मा हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपके, हर मैच में आपको दिखेंगे, काफी इंपोर्टेंट रहने वाले। शार्दुल ठाकुर का सिलेक्शन काफी डाउन है, लेकिन प्लेयर ये शानदार है, अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती है, मान लो इसकी अगर इंडिया की स्टार्टिंग में विकेट गिरते हैं, इसकी बैटिंग भी आती है, वहां से भी आपको पॉइंट देगा, और बॉलिंग में भी ये आपको विकेट दिला सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे न्यूजीलैंड की तरफ से आपको ग्लेन फिलिप्स, सेंटनर आपको हर बार परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा, इकलौता। ठीक है, इस सीरीज में बता दो आपको, ट्रेंट बोल्ट नहीं थे, ठीक है, और मैट हेनरी भी सीरीज में नहीं थे। मिचेल 24,
डेवन कॉनवे 138 बनाया था, दो मैचों में फ्लॉप रहा था, कॉनवे भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया था, लास्ट के मैच में जाते हुए इसने हैंडल किया था। तो ये कुछ प्लेयर है जो हेड टू हेड में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अब अपन देख लेते हैं आज के मैच के लिए जो ट्रंप प्लेयर रहने वाला, लास्ट मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में मैंने आपको कहा था इमाम उलक का शानदार रिकॉर्ड है इनके अगेंस्ट, इमाम उलक चलेगा, शॉर्ट शकील को आप ले लो, पैट क्यूमिंस मैंने बताया था, इसके अलावा मैंने जोश इंग्लिस को भी बताया था लेकिन रिजवान वहां से फ्लॉप नहीं हुए थे। मैंने बोला था मैं हर मैच में आपको बोलता हूँ इन प्लेयर में से आपको तीन या चार प्लेयर ट्राई करना है, बताता हूँ किस प्रकार ट्राई करना है। आज के मैच के लिए देख लो आपको अगर जीएल विन करनी है तो इनके बिना आप कर भी नहीं सकते। देखो आप टॉम लिथम, विलियन, लॉकी फर्गसन न्यूजीलैंड की तरफ से, इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर और श्रेयस अय्यर। अब देखना प्लेयर को किस प्रकार से ट्राई करना है, कितने प्लेयर लेके जाने हैं, यहाँ से सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सीवीसी किसे रखना है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टॉम लिथम को देखो आप, बहुत ही शानदार विकेट कीपर बैटर है, इंडिया के अगेंस्ट भी ये ठीक ठाक खेलता है और 350 कर चुका है वर्ल्ड कप में सिलेक्शन, फिर भी डाउन है। अब पता नहीं लोग क्या थिंकिंग के साथ टीम बनाते, प्लेयर का सब कुछ अच्छा चल रहा है ठीक है, अपन को ट्राई कर सकते हैं। बैट फर्स्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है लिथम और यंग, ठीक है। यंग भी अच्छा खेल रहा है, 250 मार चुका है, एक मैच में इसको मौका मिलना नहीं था और एक में हो गया था डक पे आउट, ठीक है। लॉकी फर्गसन पिछले दो मैचों से देख रहे हो आप, तीन तीन विकेट निकाल रहा है, शानदार फॉर्म में आ चुका है। बॉल फर्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में इंडिया के बॉलर्स बैटर्स विकेट नहीं देंगे बोल्ट और हेनरी को तो लॉकी फर्गसन के विकेट जाने के काफी चांस है। इसके अलावा इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, शार्दुल ठाकुर का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है ठीक है, और श्रेयस अय्यर भी अच्छे टच में है, लास्ट मैच में 19 बनाए वो एक अलग बात है, बाकी दो मैचों में अच्छा खेल रहे हैं, मैच को फिनिश कर रहे हैं, तो काफी अच्छे प्लेयर है, आप ट्राई कर सकते हो। अब इन पांचों प्लेयर में से आपको हर टीम में तीन या दो या तीन प्लेयर ट्राई करने हैं ठीक है, तीन प्लेयर चार प्लेयर तक आप जा सकते हो, चार से ज्यादा ही मत जाना और आप दो या दो से कम भी मत जाना, अगर आप दो से कम जाओगे तो भी आप नहीं जीतने, मेगा लिखिए मेरे से लिख के ले लेना ठीक है। इनमें से अब मैं बताता हूं दो या तीन प्लेयर 110% आपको ड्रीम टीम के मेंबर बनते हुए दिखेंगे ठीक है, और अब मैं आगे बता रहा हूं इन प्लेयर को ट्राई किस प्रकार करना है। यहां देखो कॉनवे को रखा है मैंने, विराट गिल अय्यर को रखा है, विलियन या मैंने जडेजा, सचिन रविंद्र, मिशेल सैंटनर, मोहम्मद सिराज, ट्रेंट बोल्ट और शार्दुल ठाकुर को मैंने यहाँ पे रखा है। दूसरी टीम में मैंने कॉनवे लिथम को रखा है, यहां से मैंने विलियन को ड्रॉप किया है ठीक है, और यहाँ पे इंडिया के टॉप ऑर्डर के बुमराह सिराज दोनों को रख लिया ठीक है। राहुल, रोहित, गिल और अय्यर को मैंने रखा है, यहां मैंने लॉकी फर्गसन को रखा है, ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी को मैंने मिस किया है और यहां मैं रख रहा हूँ सचिन रविंद्रा को। आप चाहो तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर की जगह आप एक बॉलर इनका ट्राई कर सकते हो ठीक है, और अगर इंडिया बॉल फर्स्ट करेगी उस कंडीशन के लिए ये टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है इंडिया की, बॉलिंग अच्छी चल रही है, कुलदीप यादव हर बार विकेट निकाल रहे हैं, कैप्टनसी का जो कंटेंडर रहेगा। अब इन प्लेयर यहाँ आप सेंटर को भी ट्राई करना अलग टीम में, ये मैं आपको डेमो की तरह बता रहा हूँ किस प्रकार को आप प्लेयर रोटेट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो किस कंडीशन में। अगर आप ऐसे मान लो आप तीनों बैट्समैन भी इंडिया के ले रहे हो, यहाँ पे बॉलर भी तीनों इनके ले रहे हो, तो वो कंडीशन एकदम से खराब है, क्योंकि बोल्ट अगर विकेट निकालेगा तो स्टार्टिंग में निकालेगा ठीक है, बोल्ट निकालेगा तो स्टार्टिंग में दो तीन ओवर में विकेट निकाल जाएगा ठीक है, नहीं फिर वो एक विकेट 29-35 पॉइंट देके रह जाएगा ठीक है। कैप्टन के लिए आपके सबसे बेस्ट चॉइस इस मैच में रहनी है गिल और कोहली और रोहित, फिर से इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छा रहना है। इसके अलावा आप हटके जाते हो तो कॉनवे को ट्राई कर सकते हो, सचिन रविंद्रा ठीक है। वीसी के लिए बॉल फर्स्ट में फिर से आप सिराज और बुमराह में से किसी एक के साथ जा सकते हो, और अगर ये बॉल फर्स्ट करते हैं उस कंडीशन में आप यहाँ पे शार्दुल ठाकुर की जगह मैट हेनरी को ट्राई करना, और मैट हेनरी को आप वीसी ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।